सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको जिस तरह का डार्क शैडो इफेक्ट फोटो एडिटिंग कर सकते हो सिर्फ पिक्सार्ट एप्लीकेशन की मदद से। और यहाँ पे जो लाइटिंग है सिर्फ आपका एक ही आई पे गिरेगा, जो कि काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको अपने फोटो को कुछ इस तरह का एडिट करना है तो यार वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पिक्सार्ट एप्लीकेशन में अपने फोटो को ओपन कर लेना है। आप इस तरह का एक हाफ फोटो सिलेक्ट कर लेना। तो सबसे पहले हमें अपने फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट करना है, तो इसके लिए टूल्स वाला ऑप्शन पे जाएंगे और एडजस्ट पे जाएंगे। और यहाँ पे आपको फोटो का जो सैचुरेशन है इसे आपको -100 कर देना है, जिससे आपका फोटो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। और हमारा जो बैकग्राउंड है उसे बिल्कुल ब्लैक करने के लिए हमें यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे ब्लैक हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इसे रख लेता हूँ 60% के आसपास। आप चाहे तो 100 भी रख सकते हो। तो हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ से डन। नेक्स्ट हम यहाँ पे जाएंगे ड्रॉ टूल पे, जो कि ये रहा। ड्रॉ टूल पर आने के बाद आपको यहाँ पे जो कलर वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है और हमें ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेना। फिर ब्रश वाला आइकन पर क्लिक करना, यहाँ पर क्लिक कर देना और साइज़ को बिल्कुल फुल और हार्डनेस को यहाँ पे 1 पे रख देना। फिर यहाँ पे जो जूमेबिलिटी है इसको आपके यहाँ पे इनेबल कर लेना है। फिर यहाँ पे टैप कर देना तो ये बैक हो जाएगा। और जस्ट आपको इस तरह से यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद वाला आइकॉन पे क्लिक करना, 3 डॉट पे क्लिक करना और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देना। और इस तरह से आपको जूम करके अपने हाफ वाले फेस पे अप्लाई कर लेना है, कुछ इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ, देख सकते हो। और ऐसे एडजस्ट करने के बाद यहाँ से कर देना डन। नेक्स्ट आपको 3 डॉट पे वापस से क्लिक करना है और इस बार कॉपी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। फिर आपको वापस से 3 डॉट पे क्लिक करके ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देना। और अब जो थर्ड वाला आइकॉन है इस तरफ आपको क्लिक कर देना, जिससे फ्लिप हो जाएगा और इसे थोड़ा सा साइड में एडजस्ट कर लेना। ये हो जाने के ध्यान से डन। नेक्स्ट आपको यहाँ पे वापस से 3 डॉट पे क्लिक करके मर्ज वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना, तो ये दोनों लेयर एक ही लेयर में आ जाएगा। नेक्स्ट आपको एरेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना और जूमेबिलिटी को इनेबल करके हार्डनेस को 1 पे, साइज़ को मैं यहाँ पे 64 रख लेता हूँ, ओपेसिटी को 40% के आसपास। और सिर्फ एक ही बार में आपको इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है लाइन को। मिस्टेक हो जाता है तो यहाँ पे क्लिक कर देना। तो देख सकते हो चुका है यहाँ से डन। नेक्स्ट हमें इसे और भी ज़्यादा ब्राइट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे टूल्स वाला ऑप्शन पे, फिर एडजस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हो हाइलाइट्स, इसके ऊपर क्लिक करके इसे इंक्रीज़ कर देना, जिसे देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पे ग्लो कर रहा है। तो मैं यहाँ पे इसे रख लेता हूँ 80% के आसपास। नेक्स्ट आप चाहते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ ब्राइटनेस को डिक्रीज़ और यहाँ पे शेडो को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना और यहाँ से कर देना डन। तो हमारा फोटो यहाँ पे फाइनली एडिट हो चुका है, देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और इस फोटो को सेव करने के लिए इन दोनों आइकन में से किस पे भी क्लिक कर देना, तो आपका जो फोटो है गैलरी में सेव हो जाएगा। तो इस और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे।